सोचिए, सत्ता है आपके पास, पैसा है आपके पास, आपके घर में कोई सांसद विधायक है, नहीं है तो तैयार रहिए, तैयार रहिए, अगला घर अगली बेटी आपकी भी हो सकती है। कोई कानून नहीं है इस देश में, कोई न्याय नहीं है इस देश में, चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, कोई नहीं सुनने वाला है। बेटी बचाओ का नारा 14 का था, 19 का नहीं है। 14 में के बाद 17 में बलात्कार किया था कुलदीप सिंह सेंगर ने, नाबालिग बेटी का, जेल गया, लेकिन 19 में दोबारा सत्ता सौंपी है। शायद उनको लगने लग गया कि आपको इन नाबालिग बेटियों के बलात्कार मंजूर है, इसलिए इन्हें सत्ता से बेदखल करने के बजाय और बहुमत के साथ ताकत देकर आपने वापस भेज दिया है। आजम खान उनके खिलाफ कुछ बात बोलते हैं तो स्मृति ईरानी तुरंत आवाज उठाती है, पूरा सदन आवाज उठाता है, लेकिन हमारी उन्नाव की इस बेटी के साथ लगातार उसका पिता मार डाला, उसकी मौसी, उसकी चाची मार डाली, उसका चाचा जेल में है, उसके वकील, और वो आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है, एक आवाज नहीं उठती, एक आवाज नहीं उठती। विधायक हूं मैं भी, जाइए अपनी प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल पर देखिए विधायक को क्यों लोग चुनते हैं। एक भोपाल में भी चुनी है, आतंकी आरोपी है, 10 साल जेल काट के आई है, सांसद चुना है, लोग गए उनके पास विकास कार्यों को लेकर, बोला ये विकास कार्य करने नहीं आई हूं, जिस काम के लिए चुना है, जिस काम के लिए, कौन से काम के लिए, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, सांप्रदायिक दंगे, भगवाकरण, भड़काओ, लड़ाओ, कत्लेआम कराओ, सत्ता में बने रहने का यही एक इनका फार्मूला है, जिस पे हम सब ने ये दावा करते हैं भाजपा के लोग कि हाँ पूरे देश ने मोहर लगाई है। इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है, हमने मोहर लगा दी है कि इनके सांसद, इनके विधायक हमारी नाबालिग बेटियों के बलात्कार करते रहे, इस पे मोहर लगाई है, इनका मानना है, इसलिए मुझे लगता है खामोश हो जाइए और मुझे भी बोलने के लिए बार बार मत करिए, मत कहिए। मैं तो ये भी सोच रही थी 19 कल के बाद अभी दिल्ली का चुनाव आ रहा है, लड़ूं या ना लड़ूं, क्योंकि हमारे जैसे पढ़े लिखे ईमानदार, दावा करती हूं ईमानदारी का, चुनौती देकर एक आरोप बता दीजिए, आपराधिक मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, एक आरोप बता दीजिए, करोड़ों रुपए का फंड विकास पे लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दीजिए। लेकिन लोगों को आज लगता है हमारे जैसे पढ़े लिखे ईमानदार संघर्ष करने वाले लोगों की आवाज बुलंद करने वाले जनप्रतिनिधियों की कोई जरूरत नहीं है, ये 2019 के चुनावों ने साबित किया है कहीं ना कहीं। लोगों से जब मैं पूछती हूँ कि कैसे लोगों को आपने सांसद चुन लिया, कैसे लोगों को विधायक चुन लिया, बलात्कार के आरोप है उनके ऊपर, गंभीर आतंकवाद के आरोप है उनके ऊपर, हत्याओं के आरोप है, कैसे लोगों को चुन लिया, तो आप जवाब मिलता है हमने तो लहर में एक बटन लगातार दबा दिया, उन्हें सत्ता देश सौंप दिया, हमने तो अपने उम्मीदवार देखे ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं चला कि कब हमने एक बलात्कार के आरोपी, आतंकी के आरोपी, हत्या के आरोपी, भ्रष्टाचारी का बटन दबा के उसे सांसद और देश सौंप दिया है, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हमने एक बड़ा नेता देखा था, हमने एक बड़ी पार्टी और चुनाव चिन्ह जो बड़ा नेता दिखा रहा था उस पे दागा, हमने तो देखा ही नहीं कि कभी 43% बलात्कारी, हत्यारे, आतंकी, भ्रष्टाचारी सदन पहुंच गए। इसलिए लगता नहीं देश में हमारे जैसे लोगों की कतई भी इस लोकतंत्र में जरूरत है, ये लोकतंत्र का एक भद्दा मजाक है कि आज उन्नाव की एक गरीब बेटी, उन्नाव की एक गरीब बेटी 2017-18-19 आ गया, उसे किसी तरह का संरक्षण नहीं मिल रहा, उल्टा जेल में जो बैठा है, ये जो भगवादारी, क्या नाम है इसका, भगवादारी जो अभी मैं आपको बता रही थी, साक्षी महाराज सांसद बनाया है, ये हमारी नाबालिग बेटी के बलात्कार जिसका हुआ है, जिसका पिता मौत घाट उतार दिया गया, जिसका चाचा जेल में है, जिसकी चाची और मौसी को मौत का घाट उतार दिया, जो जिंदगी और मौत की सांस आज लखनऊ में ले रहे हैं अस्पताल में, साक्षी महाराज उन्हें नहीं मिलने जा रहे हैं, उनका दर्द नहीं पूछने जा रहे हैं, उनको न्याय मिले इसकी चिंता नहीं है, ये साक्षी महाराज जेल में बंद उस बलात्कार के आरोपी को मिलने जाते हैं, जो भाजपा का आज भी भाजपा से निष्कासित नहीं किया गया है, उसी उठाइए आवाज, अदालतें बिक चुकी हैं, प्रशासन बिक चुका है, पुलिस बिक चुकी है, मीडिया बिक चुका है, ये सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, जिसपे हम और आप बात कर पा रहे हैं,
सीधे संवाद कर पा रहे हैं, अपने दिल का दर्द किसी की आवाज बनकर बोल पा रहे हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है आप खामोश क्यों है, बोल के भी क्या कर लेंगे। बोला था 2017 में, देखिएगा 9 अप्रैल 2018 का मेरा वीडियो देखिएगा, थूका था इन लोगों के मुंह पर, जिनके मुंह पर थूका था आज वो और भी बहुमत से जीत कर सांसद विधायक बनकर संसद में पहुंच चुके हैं, और जेल में बैठे कोई राम रहीम बलात्कार के आरोपी को मिलने जाते हैं, कोई आसाराम को मिलने जाते हैं जो बलात्कार बेटी नाबालिग बेटियों के आरोपी हैं, और कोई कुलदीप सिंह सेंगर को मिलने जाते हैं। क्यों बाहर जो खुलेआम बलात्कारी घूम रहे हैं, जिनके जो हमारी बेटियों को नोच रहे हैं, उनके मन में कैसे डर आएगा, उन्हें तो संरक्षण मिल रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोगों का पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। पुलिस भी डरती है इन लोगों से, नौकरी का खतरा है, तबादला ना कर दें पुलिस का, पोस्टिंग कहीं ना कर दें, क्योंकि अब तो गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर खुद बहुत गंभीर आरोप है, जिनको खुद गुजरात के कोर्ट ने तड़ी पार करके गुजरात से ही बाहर कर दिया था, जेल में रहे थे, आज वो देश के गृह मंत्री हैं। थाने में एक छोटा मोटा गुंडा भी, जिसकी तस्वीर आज के देश के गृह मंत्री के साथ है, वो थानेदार एसएचओ को जाकर धमका के आ जाता है, ये देखो देश के गृह मंत्री के साथ तस्वीर है, हमारा नेता है वो, अगर हमारी नहीं सुनोगे थानों में तो तुम्हारा तबादला करा दिया जाएगा, तुम्हें निष्कासित करा दिया जाएगा। इसलिए पुलिस कानून की रखवाली नहीं कर रही, सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके गुंडों की रखवाली कर रही है, उन्हें संरक्षण दे रही है, इसलिए अपराधी इस जंगल राज में घूम रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, सारे उदाहरण आपके सामने दे दिए, 5 साल भुगती है इनको, सिर्फ शुभकामनाएं दे सकती हूँ, भगवान से दुआ प्रार्थना कर सकती हूँ कि इस देश की हमारी बेटियों को सत्ता में बैठे इन सत्ता के दलालों से, बलात्कारियों को जो जेल में मिलने जाते हैं, भगवादारी साक्षी महाराज होंगे किसी के लिए महाराज, लेकिन आप जब एक बलात्कार के आरोपी को जेल में मिलने जाते अपने सांसद बनने के तुरंत बाद उसे धन्यवाद देने, तो लानत देती हूं आपको भी और जिन्होंने आपको वोट देकर चुना है। अब जितना मर्जी कहिएगा, लोकतंत्र में मतदाताओं को गाली दे रहे हैं, ऐसे मतदाताओं को लानत है जिन्होंने ऐसे आदमी को चुनकर सांसद बनाया है जो हमारी नाबालिग बेटी के बलात्कार के आरोपी को जेल में मिलने जाते हैं। लानत है ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे विधायक ऐसे सांसद बनाए, बिल्कुल ऐसे नेताओं को, ऐसे सत्ता में आए उत्तर प्रदेश और देश के जो दलाल बैठे उनको सबको लानत है। धिक्कार है ऐसे लोकतंत्र पे जो ऐसे लोगों को आपने चुना है, भुगतना हमें और उनको पड़ रहा है जिन्होंने शायद इन्हें अपना वोट देकर नहीं चुना है, पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि सत्ता दे दी आपने इनके हाथ में, देश दे दिया, कलम दे दी, और उसके दम पर आज ये सत्ता का नंगा नाच कर रहे हैं। बलात्कार के आरोपी राम रहीम को समझ आ जाए, बलात्कार के आरोपी आसाराम को समझ आ जाए, और इनकी दलाली करने वालों को समझ आ जाए कि अभी भी इस देश में कुछ लोग जिंदा हैं जो खामोश नहीं रहेंगे, जब तक आप में दम नहीं है उन्हें खामोश करने का, तब तक ये गूंजती रहेगी आवाज और ताकत देते रहेंगे। शेयर करिएगा मेरे इस वीडियो को, डरती नहीं हूं, ज्यादा से ज्यादा फैलना चाहिए, देखूंगी कितनी धमकियां आती हैं और कितनी मेरी आवाज को खामोश किया जाता है, खून खौलता है, मैं बता रही हूं। एक बेटे हैं, मैं कह रही हूं आपकी, आप अगर भाई हैं और पिता हैं, अगर आपके घर में बहन है और अगर आपकी बेटी है, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि कल ऐसा ना हो आपकी बेटी और आपकी बहन को उत्तर प्रदेश में या भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से बलात्कारियों को संरक्षण मिल रहा है, उस आग में आपकी बेटियां ना चलें। इसलिए आवाज बुलंद करिए, आंख में आंख डाल कर दे लिए और इन्हें कहिए अभी भी इस देश में आवाजें जिंदा हैं।